जलगांव का आकाशवाणी चौराहा, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस नाकाबंदी कर रही है और इस बात को चेक किया जा रहा है कि किसी ने शराब तो नहीं पी रखी है। ड्रंक एंड ड्राइव के मामले चेक किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस बांधो हर एक व्यक्ति को पूछताछ कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने शराब तो नहीं पी है। एक अच्छा प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि 2 दिन पहले पुणे में एक बहुत ही महंगी आलीशान कार पोर्श, अमीर जादे मस्ती जादे पैसे की मस्ती वाले कुछ लोगों ने राह चलते लोगों को उड़ा दिया, कुचल दिया, 2 की जान ले ली। इसी तरह का एक मामला जलगांव जिले में भी रामदेवाड़ी में हुआ। ड्रंक एंड ड्राइव के यहाँ पर तलाश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो लोग रामदेवाड़ी में जिन्होंने 4 लोगों को उड़ा दिया था, उनकी जान ले ली, उस मामले में अभी तक कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। ब्लड रिपोर्ट, अल्कोहलिक रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। वैसे तो अल्कोहलिक रिपोर्ट कुछ मिनटों में भी आ सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है पुलिसों में। और आज जो ड्रंक एंड ड्राइव के जो मामले पुलिस तपास कर रही है, इसमें लगता है कि पुणे की घटना, रामदेवाड़ी की दुर्घटना, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए शायद ये ड्रंक एंड ड्राइव के मामले चेक किए जा रहे हैं। पुलिस ने अच्छा काम करने का प्रयास तो किया है, लेकिन शायद यही अच्छे प्रयास शायद पहले किए जाते तो रामदेवाड़ी में 4 लोगों की जान बच सकती थी, उसी तरह से पुणे में 2 लोगों की जान बच सकती थी। कई अमीर जादे, रईस जादे, मस्ती जादे शराब पीते हैं, नशा करते हैं। हाल ही में तो ये भी पता चला है कि जो रामदेवाड़ी का मामला हुआ है, उसमें शायद कुछ लड़कियां भी साथ में थी। इस तरह का गंभीर आरोप जाबाज रिपोर्टर आनंद शर्मा ने भी अपने आप तक न्यूज़ के जरिए किया था। तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन अभी तो पुलिस रिपोर्ट काफ़ी देर से आ रही है। खास करके युवाओं को चेक किया जा रहा है कि युवा ड्रंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक विभाग के बड़े आला अधिकारी देवीदास जी भी आ चुके हैं, बड़ी मुस्तैदी दिखा रहे हैं अब ट्रैफिक पुलिस जलगांव। आकाशवाणी चौक में अब आरटीओ जलगांव जिले की भी गाड़ी आ चुकी है। बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ साहब के लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं ना कि जब सांप चला जाए तो लाठी पटकने से कुछ नहीं होता, और कहते हैं ना कि जो बूंद से जाती है वो दरिया से नहीं आती है। अभी आप कितने ही दिखावे कर ले, कितनी ही शो कर ले, पुलिस जितनी भी कार्य तत्परता दिखा दे, आरटीओ कितनी कार्य तत्परता दिखा दे, जो 4 जाने रामदेवाड़ी में गई है, जो 2 जाने पुणे में गई है, शायद ही वो अब वापस लौट आए। इनके अभिभावक, पेरेंट्स, इनके गार्डियंस, जो रईस जादे हैं, इनकी कितनी ही गार्डन करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे करोड़ रुपए मैनेज करने में लगा दे, अरबों रुपए लगा दे, लेकिन जिनकी जान गई उनको वापस नहीं ला सकते हैं। इसको कहते हैं पश्चात बुद्धि। पुलिस दल जितनी तत्परता दिखा रहा है, उतनी ही अल्कोहलिक रिपोर्ट लाने में दिखा देता, उतनी ही फुर्ती अगर ड्राइवर को गिरफ्तार करने में दिखा देता तो शायद आज चित्र कुछ और होता। और अभी तक तो पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई उस गाड़ी में ड्राइवर कौन था या नहीं था। अगर था तो इतने 10-15 दिन गुजर जाने के बाद भी जलगांव जिले की महान पुलिस, महान इंटेलिजेंस, गोपनीय शाखा, LCB, क्राइम, DB, विशेष शाखा, इतने सारे साइबर शाखा है जो फ़ोन ट्रेस करती है, लोकेशन ट्रेस करती है, कॉल रिकॉर्ड्स के डिटेल निकालती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना बड़ा फेल्यूर पुलिस विभाग का, और अब ये नाकाबंदी। बहुत अच्छी बात है कि नाकाबंदी की जा रही है, सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अच्छी बात है कि यहाँ से शायद कुछ तो रोकथाम होगा, कुछ कम लोगों की जान जाएंगी। बड़ी संख्या में पुलिस मैदान में उतर गई है, पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हैं, लेकिन मीडिया के नाते पुलिस की आलोचना भी करते हैं कि 10-15 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस को ना तो ड्राइवर मिल रहा है, ना गिरफ्तारियां हो रही है, बस पता चला है कि वो बेचारे सीधे साधे मासूम नौजवान हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं कब तक एडमिट रहेंगे। गाँव वालों का तो कहना है कि जो लोग पैदल चल के गए हैं वो कोमा में कैसे रह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, सब इच्छा शक्ति की बात है। अगर पुलिस चाहे तो 5 मिनट में फैसला कर सकती है मैटर का, लेकिन दूर दूर तक कई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती है। रईस जादों की मस्ती, जादों की मस्ती और गरीबों की जान नहीं है सस्ती, इस बात का ध्यान देंगे। हर किसी के घर में बीवी है, बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, कन्याएं हैं। अगर उनको कोई अगर शराब पीकर, गांजा पीकर अगर उड़ाकर चला जाए तो हमारे और आपके मन पे क्या बीतेंगी, देखिए, सोचिए। पुलिस दल का
तापा लगातार बढ़ता जा रहा है, पुलिस की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसे हम पच्चार बुद्धि ही कहेंगे। अगर इसी तरह के प्रयास, इसी तरह की पूर्व योजनाएं अगर उस समय कर दी जाती तो रामदेववाड़ी के 4 जाने नहीं जाती, पूना में 2 जाने नहीं जाती, और आज जो 6 परिवार है आज बड़े परेशानी में, उस तरह की परेशानियां नहीं होती। पुलिस के इस कदम की हम सराहना करते हैं, लेकिन पुलिस ने जो सुस्ती दिखाई है, जो गिरफ्तारियों में इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, उसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए और हो भी रही है। इंडिया 365 लाइव के लिए जलगांव से अयाज मोहसिन।